क्या हुआ पंडित जी? सब उपाय कर लिया लेकिन नहीं। बात क्या है पंडित जी? विद्या भाई जी, मुझे माफ कर दीजिए, अगले हफ्ते से पहले इनका विवाह नहीं हो सकता। अगले हफ्ते? हाँ, आज से एक हफ्ते के बाद आप इन दोनों का शुभ विवाह करा सकते हैं। बधाई हो भाभी, एक हफ्ता कहाँ निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा, इतने सारे काम करने हैं। बापू, आपको नहीं लगता कि मुहूर्त बहुत जल्दी का निकला है? पंडित जी, इतनी जल्दी क्या है? मेरा मतलब है एक महीने के बाद, एक साल के बाद या दो तीन साल के बाद भी चलेगा, इतनी जल्दी नहीं है। हाँ, वही। इन्हें कहा इतनी जल्दी है, बस दिल नहीं संभल रहे हैं दोनों के कि काश आज का ही मुहूर्त निकल जाए। क्यों? कुमुद दिकरा, अगर ऐसा है तो कल का ही मुहूर्त निकलवा ले। अरे हाँ भाई हाँ, अगर करवाना चाहे तो कल भी इनका लगन करवा सकते हैं, लेकिन ये मेरी कुमुद और सरस का लगन है। इनका लगन बड़े ठाट माट से होगा और पूरी रस्मों रिवाज के साथ में। सबसे पहले सगाई होगी। हाँ। बताइए पंडित जी, कब करवा दें इन लोगों की सगाई? नहीं बताता। सगाई का कल शाम का शुभ मुहूर्त अति उत्तम है। सरस जी, तू नहीं अवे? ओ, वो तो कल शाम को इनकी सगाई पक्की। लेकिन बापूजी, कल शाम को ही? लेकिन इतनी जल्दी सब? अरे विद्या, आज शाम का भी अगर मुहूर्त होता ना तो बड़ी ठाट से होती है रस्म। अरे विद्या, हमारे पास तो पूरी रात और पूरा दिन है। आप समझे नहीं बापूजी, ये कुमुद और सरस की सगाई है। हमें नंदू और गुमान को खबर तो करनी होगी ना। आप सभी मेरा परिवार है, किसी और को खबर करने की कोई जरूरत नहीं। बेटा, ये खून के रिश्ते हैं, ऐसे नहीं टूटते। बेटा, यही मौके होते हैं एक दूसरे को माफ करने के। और बेटा, शादी जैसा कदम तो माँ बाप के आशीर्वाद बिना ही उठाएगा। अंकल, पहले मैंने भी यही सोचा था कि मॉम और डैड को ये न्यूज़ दे दूँ, पर आप लोग एक बार ये भी तो सोचिए कि मेरे और कुसुम की शादी उन्हें बिना बताए हो गई। भले हालात जो भी हो, लेकिन जब भी उन्हें पता लगेगा उन्हें कितना बड़ा शौक लगेगा। और मैं नहीं चाहता कि उसका असर कुमुद जी और भैया के रिश्ते पर पड़े। खुट्टी बात ना बोलो विद्या भाई, पर गलती हमारे से हुई है। माँ बाप को बताए बिना उनके बेटे की शादी हमारी बेटी से करवाई है हमने, और गलती एक बार माफ हो सकती है, दो बार नहीं। खरी बात है भाभी, कम से कम कुमुद और सरस की शादी तो नंदू और गुमान की हाजिरी में ही होनी चाहिए।
नंदू को फोन लगाता हूँ। रुक जाइए विद्या भाई, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, पर हमारे घर को किसी की बुरी नजर लग जाती है, आप जानते हैं। दोबारा नहीं विद्या भाई, मैं आपको हाथ जोड़ती हूं, मेरी कुमुद की खुशियों को इस बार हर बुरी नजर से बचा लीजिए। एक बार सरस और कुमुद की शादी हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको नहीं रोकूंगी। अरे विद्या, अभी बहुत सारी तैयारियां करनी बाकी है। और डैनी, तेरा वो बैंड वाला इस बार पहुंचेगा ना, फोन कर देना उसको, समझा? पक्का आएगा दादाजी। हाँ। और दुखबा जी, पंडित जी से पूजा और भोग के सामान का लिस्ट तैयार करवा ले। और गुनियल दादाजी। दादाजी सब हो जाएगा, हाँ, लेकिन इतना जल्दी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएगा। मैंने कहा था ना दादाजी, उमो दीदी की शादी की तैयारियां मैं और कलिका मिलकर करेंगे, करेंगे ना? हाँ यश, अब तो सारी तैयारियां मैं ही करूंगी। आपकी स्कॉलरशिप की एग्जाम थी, सब कहते थे कि आप अव्वल होगी और आप एकदम से बीमार हो गई। सबसे ज्यादा आपसे भी ज्यादा मेहर हुई थी, फिर कैसे आपको रुला दिया मैंने, नहीं समझी कि क्या मांग रही हूं आपसे मैं। मुझे अब तक विश्वास नहीं हो रहा दीदी कि आपके साथ मैंने ये सब किया। दीदी बस क्यों याद करती रहती है ये सब? देख, मुझे ये सब याद नहीं, मैं बस अपने कल के सपने देखती रहती हूँ। हम दोनों एक ही घर में रहेंगे, अपनी अलग अलग दुनिया एक ही घर में बसाएंगे, हम बहुत खुश रहेंगे। अच्छा बता, तेरे पतिदेव है कहाँ? वो तो घर चले गए दीदी, मुझे यहाँ छोड़ गए सगाई की तैयारी करने के लिए।
दीदी, काश काश आज ही आपकी शादी होती। बच्चे तो रुका ही नहीं जा रहा है। कब हम दोनों मिलकर उन दोनों भाइयों को अपनी उंगली पर नचाएंगे। नाचोगी तो तुम कुमुद, वो भी मेरे इशारों पर, क्योंकि कलिका नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी हो तो फिर सगाई कैसे होगी? पर राज तो उसका चलेगा ना, जिसके पास मोती होगा। सरस से लिया कि नहीं? वो थोड़ी देगा। अरे तो निकलवाओ, वरना जिंदगी भर पैर दबाने पड़ेंगे। गला नहीं दबा दो उसका। कालिका, क्या चाहिए? मैं वो आपसे पूछने थी कि खाने में क्या बनाऊं मैं आज? रोज तो तुम्हें माँ और बड़ी माँ बताती है ना, तो फिर उन्हीं से पूछ जी।